तो गाइस जा रहे हैं हम लोग, भैया मिलते हैं जल्दी आइएगा। लेकिन भाई ऐसा सरप्राइज मत दिया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बिजी इंसान है, समझा करो। ये पूरा कोल माइन है, यहाँ पे कोयला इधर से ही निकलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ पटना में दीपक भाई के फ्लैट पे, और ये पूरा व्यू है। और हम लोगों को कहाँ जाना है, धनबाद झारखंड, ठीक है। वहाँ पे कार्तिक से मिलेंगे और मनोज भैया से मिलने जाना है। तो अभी तो हूँ दीपक भाई के फ्लैट पे और ये लोग देख रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। भैया आएंगे कार लेके, उनके गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं। सो चलो, हम तो इधर थे, डालिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये दीपक भैया, ये वो कार वाले भैया हैं। फाइनली गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं, दीपक भैया व्लॉगिंग कर रहे हैं, और ये अमन भाई। हाय, कैसे हैं? बढ़िया है दीपक भाई, आप बताइए। मस्त, पूरा एसी चल रहा है, पूरा चिल्ड हो चुका है, देखिए बाहर इतना गर्मी। तो गाइस अभी देख सकते हो शाम हो चुका है, ठीक है। और अभी एक जगह रुके हुए थे, ये भैया लोग रुके हैं। अभी देखो ये चिप्स कुरकुरे वगैरह, और ये पानी का एक बोतल, और भूख भी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो चलो खाते हैं आराम से। बाकी इधर देखो सामने पहाड़ भी आपको दिखेगा, ठीक है। राजगीर के साइड अभी हैं, इधर से ही हम लोग जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग झारखंड में एंट्री कर चुके थे, और अभी हम लोग धनबाद भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। और देख रहे हो भाई, पूरा झारखंड में जैसे एंट्री करें ये है, वैसे ही पूरा बारिश की तरह, देख रहे हैं कितना बहुत बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, ठीक है। और अभी भी हो ही रही है, और अभी हम लोग तो गाइस देख रहे हैं खाना पीना तो कंप्लीट हो चुका है, देखिए। और इधर देखिए बारिश, भाई साहब बारिश का कुछ अलग ही सीन है, देख रहे हैं झारखंड में इतना तेज बारिश, और बिहार में भाई बारिश ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम लोग अभी धनबाद मेन सिटी में एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है धनबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी रात के 12 बजे आए हैं होटल में, यहाँ पे हम लोग रेस्ट करने वाले हैं होटल में। एक होटल में हम लोग आए हैं, यहाँ पे अभी रेस्ट करेंगे रात तक। तो ये रहा होटल, ठीक है, यहाँ पे पूरा नाइट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कार्तिक को कल सुबह सरप्राइज देने चलेंगे पहले, ठीक है। कौन सा फ्लोर है? सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी होटल रूम पे। ये देखिए कुछ इस तरीके का रूम है, दो ब्लॉगर एक जगह। ये देखिए रूम, पूरा रूम का कुछ इस तरीके का व्यू है, और इधर भैया लोग आराम कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए बाथरूम, देख रहे हैं पूरा लग्जरी है भाई। और सामने एक टीवी, और ये है मिरर, कवर्ड, ये है कवर्ड। कहाँ खोज रहा है अब? चीनी खत्म हो गया, दो चीनिया था, चीनी खोज रहा है। ये रम दिया ना, खत्म हो गया। सो जा सो जा, सुबह उठना, कॉफी पी रहे, साला नींद भाग जाएगा। गाइस अभी सुबह हो चुका है, ठीक है, और हम लोग उठ भी गए हैं। देखिए ये व्यू है कुछ इस टाइप का धनबाद का, यहाँ से नहीं दिखेगा, उधर है पहाड़ सिटी साइड। तो ये देखिए पूरा रोड है इधर, ये व्यू कुछ, होटल भी काफी मस्त है, देख रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग होटल से निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, ब्रश वगैरह, ठीक है, तो ले लिए हैं। अभी देखो चल रहे हैं हम लोग, व्यू काफी मस्त है, पूरा 4 लाइन रोड है ये, धनबाद सिटी में चला जाएगा इधर, इधर से हम लोग आए थे। फाइनली गाइस हम लोग होटल से निकल रहे हैं अभी, ठीक है। कैसा लग रहा है दीपक भैया, कैसा लग रहा है मंदिर?
गाइस अभी हम लोग आए हैं गाड़ी धुलवाने। देखिए गाड़ी चढ़ चुका है ऊपर और अभी यहाँ पे ये है शॉप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी धुलवाने आए हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ चुका है, गंदा हो चुका था इसलिए, ठीक है। बाकी कार्तिक का एक अलग ही सीन हो गया, उसको कॉल किए सोचे सरप्राइज देंगे और कॉल किए तो बोल रहे क्या कि वो कहीं जा रहा है आसाम। देख रहे हैं आ गया सरप्राइज, सरप्राइज आ गया सरप्राइज। गजब की आज जीजू लोग को भेज दिए हम, बोले जाइए आज थोड़ा फिर आते हैं अगर वैसा होगा तो। कैसे हैं भैया? मस्त गजब सरप्राइज दिया भाई। हेलो सर। अच्छा तुमको नहीं बता के तुम्हारे घर जाते तो अब कैसा सरप्राइज मिलता ही बताओ। मिलते ही नहीं, हम घर में तो मिलते ही नहीं ना भाई, वही तो दिक्कत हो जाता। हम निकल गए थे जानता, हम बोले ना छोड़ो, हम बोले जीजू जाइए, वो लोग भी बार बार तो नहीं आ रहा ना। लेकिन भाई ऐसा सरप्राइज मत दिया करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बिजी इंसान है समझा करो। बैठो बैठो। चलो अभी किधर जाना है ये बताओ पहले। होटल खाना रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाना है। चलो कौन से रेस्टोरेंट बता रहा था तू? ऊपर वाला महंगा है ज्यादा वो। तब भैया तो गाइस फाइनली हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट पे खाना खाने। विकास भाई पार्टी दे रहा। देखिए विकास भाई स्कॉर्पियो लिया, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एम टू ही लिया ना। अरे नहीं मेरा नहीं, हल्का है आएगा कभी। हम लोग आए हैं ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाना खाने। चलिए तो फाइनली गाइस अभी बिरयानी आ चुका है और अमन भैया का चावल खा रहे हैं। भूजा हुआ चावल बोलने घर में बच जाता है। तो वही तो बिरयानी है। तो हम बोलेंगे कुछ सुनो और हाँ और कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो बस यही यही। अभी हम लोग खाली हम लोग नहीं खाए। अरे सबसे भूखा यही है का भाई, सबसे भूखा यही है। देखिए ना सबसे पहले खा रहे हैं, भगा देगा अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग मनोज भैया से मिल लिए, ये देखिए इधर बगल में है। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग, भैया मिलते हैं जल्दी आइएगा। हाँ देखते हैं चल जाते। तो गाइस हम लोग बहुत ही कमाल के जगह पे आ चुके हैं, ये देखिए मैठन देखिए कितना गजब का सीन है, जबरदस्त। बार बार रुकिए, पहाड़ आए व्यू में। चलिए चलिए आगे चलिए। देखिए पूरा व्यू कमाल का है, उतर के आपको दिखाते हैं। अरे तो 2 लाख वाला। तो गाइस हम लोग आए थे मैथन डैम घूमने, ये देखिए पूरा व्यू यहाँ का जो है ना वो मस्त है भाई। व्यू देखो काफी कमाल का व्यू है और खतरनाक भी है, ठीक है। यहाँ पे शायद बिजली वगैरह बनता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा मोटर वगैरह लगाया गया है। और ये देखिए इधर सब अपन ने दोस्त लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये सामने देखिए पहाड़ भाई, ये पानी देख के भयंकर लग रहा है, लेकिन अच्छा लग भी रहा है अच्छा, और थोड़ा डरावना भी लग रहा है इतना पानी। अभी देखिए डैम साइड आए थे और इधर देख रहे हैं भाई, इधर पानी है पूरा और लोकेशन तो मस्त है भाई। यहाँ पर देखिए लोकेशन बहुत ही मस्त है, ये देखिए यहाँ पे एक पुल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा बोट है और ये कार्तिक का कर रहा है और इधर दीपक भैया व्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए थे पहाड़ के साइड घूमने, ये देखो पूरा पहाड़ है भाई। और ये पता है ये पहाड़ नहीं है वैसे, ये बनाया गया है, ठीक है। कोयला का जो खदान होता है उस कोयले के खदान को खोद खोद कर और वहां से जो ये बेस्ट पत्थर वगैरह निकलता है उससे ये पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। अब चलो हम आपको जो कोल माइन है वो दिखाते हैं। ये देखिए दीपक भाई इधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कोल माइन। तो गाइस ये देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा ट्रक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। देखिए और ये सब पूरा जेसीबी पता नहीं क्या क्या, ये देखिए पूरा कोल माइन है। यहाँ पे कोयला इधर से ही निकलता है, पूरा ट्रक लगा हुआ इधर केजीएफ वाला फिलहाल।